समाजवादी पार्टी से तीन बार विधायक रहे अनिल दोहरे के देहांत के बाद आज सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि दी। अखिलेश यादव ने अनिल दोहरे के पार्थिव शरीर पर फूल चढ़ाकर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। अखिलेश यादव पूर्व विधायक के नसरापुर स्थित आवास पर पहुंचे थे, जहां मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि यहां से विधायक रहे अनिल दोहरे आज हमारे बीच नहीं है। इनका पुराना राजनीतिक परिवार रहा है, उनके पिता जिसे लेकर वे खुद परिवार के सभी सदस्य लगातार सेवा में जनता के लिए लगे रहे, कन्नौज की जनता के बीच लगातार बन रहे। समाजवादी पार्टी ने बहुत ही जिम्मेदार, निष्ठावान, ईमानदार कार्यकर्ता और नेता खोया है, इसकी भरपाई नहीं हो सकती। महाराष्ट्र के समाजवादी प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी के ठिकानों पर छापे के सवाल पर कहा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, आज हमने एक अच्छा नेता खोया है। देखिए कन्नौज से शिवम सैनी की रिपोर्ट। नेता यहाँ से विधायक रहे अनिल दोहरे आज हमारे बीच नहीं है, हालांकि पुराना राजनीतिक परिवार रहा, उनके पिताजी से लेकर के वो खुद और परिवार के सभी सदस्य लगातार सेवा में लगे रहे जनता के। कन्नौज की जनता के बीच में सुख दुख में लगातार बने रहे। समाजवादी पार्टी ने एक बहुत ही जिम्मेदार, निष्ठावान, ईमानदार कार्यकर्ता और नेता खोया है, इसकी भरपाई होना मुश्किल है। इस समय पे हम यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस दुख की घड़ी में परिवार को हिम्मत मिले। राजनीति की शुरुआती दौर से ही मैंने उन्हें देखा है, हमें बहुत से नेताओं के साथ और राजनीति में उनको साथ कैसे काम किया जाता है वो लगातार हम लोगों ने देखा है। अनिल दोहरे उनमें से थे जो ईमानदार थे और कोई बात कभी राजनीति में छिपाते नहीं थे। कैसी भी राजनीतिक परिस्थितियां रहीं कन्नौज की, उन्होंने समाजवादी पार्टी को हमेशा सही राय दी, समाजवादी पार्टी के हित में सोचा उन्होंने। समाजवादी पार्टी कैसे गांव घर में पहुंचे, मजबूत हो, उस दिशा में लगातार वो मेहनत करते रहे। लेकिन जो परिस्थितियां रहीं बीमारी के कारण बीमार हुए, सुनने में यहाँ तक आता है कि उन्हें तकलीफ और परेशानी रही, वो अपने घर परिवार से भी छिपा करके रखे। पार्टी को कैसे मजबूत करें, अपने इलाज में भी लापरवाही की उन्होंने। डॉक्टरों ने पूरी जिम्मेदारी से काम किया, बीमारियां कई ऐसी होती हैं पूरा अच्छा इलाज होने के बाद भी, सही इलाज होने के बाद भी वो हमारे परिवार के साथियों को बचा नहीं पाते हैं। बीमार रहे लेकिन पार्टी की सेवा करते रहे, तकलीफ परेशानी में रहे लेकिन किसी भी अपने सहयोगी साथियों करीबी को भी नहीं जानने दिया कि उन्हें कितनी तकलीफ है। ऐसे नेता को खोया है, हम सभी दुखी हैं और बहुत लंबे समय तक वो याद रहेंगे, बहुत समय लगेगा उन्हें भूल पाने के लिए। मैं न केवल हम लोगों को बल्कि यहाँ की जनता के बीच में जो इतने दिनों उन्होंने गुजारे हैं, बहुत सी जनता का सीधा सीधा उनसे हमेशा लगा बना है। देखिए ये विषय कोई बड़ा विषय नहीं है, जांच होना, छापे पड़ना, आज हमने पार्टी के नेता को खोया है, हमारे लिए ये दुख बड़ा है। जिस नेता ने समाजवादी पार्टी को गांव-गांव पहुंचाया, लगातार मेहनत की और इतनी कम उम्र में उनका जाना, आज जहाँ इतने संसाधन हैं, इतनी अच्छी दवाइयाँ हैं, इतने अच्छे अस्पताल हैं, उसके बाद भी अगर हम नहीं बचा पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम लोगों को सोचना होगा कि कितना बेहतर हमें इलाज रखना पड़ेगा जिससे बहुत से लोगों की जान बचाई जा सके और समय पर जानकारी हो, समय पर सही डायग्नोस हो, समय पर सही इलाज मिल जाए तो शायद हमें इतनी कम उम्र में लोगों को खोना नहीं पड़ेगा।